Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. दोस्तों Redmi 10 सीरीज ई कॉमर्स के वेबसाइट पर अपने सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ लिस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे Redmi की तरफ से आने वाला ये डिवाइस हमेशा से ही जाना जाता है अपने कम कीमत पे अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए और इस साल भी ये अपने इस प्रथा को बरकरार रखने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी Redmi 10 सीरीज के बारे में कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, साथ में आपको इंडिया में ये कब तक लॉन्च होने को देखने को मिलेगा और डेफिनेटली अगर आप एक Redmi की तरफ से नया कॉम्पैक्ट डिवाइस खोज रहे थे तो ये डिवाइस को आपको एक बार जरूर कंसीडर करना चाहिए। पढ़ते हैं आगे वीडियो में। चैनल पर नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी इस छोटे भाई की तरफ से, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने यहां पे स्पॉट किया है इस फोन का लिस्टिंग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे Xiaomi इसने सजेस्ट किया है कि ये डिवाइस को जल्द ही लॉन्च करेगी इंडिया में और जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो काफी कूल नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड चीपर देन Redmi Note 10 सीरीज से होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके रेंडर इमेज के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे Redmi 10 में आपको सेंटर पंचोल अलाइन देखने को मिलेगा, ग्लॉसी रियर पैनल रहने वाला है विद ग्रेडियंट कलर एंड साथ में रेक्टेंगुलर कैमरा का शेप मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा एंड साथ में आपको LED फ्लैश का भी सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द फ्रेम में 3.5mm हेडफोन जैक एंड साथ में स्पीकर ग्रिल्स भी प्रोवाइड किया गया है। तो जो इसका लुक है वो काफी सिमिलर है Redmi Note 10 सीरीज से। वहीं दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले साइज के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस यानी कि 1080x2400 पिक्सल वाला डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड साथ में एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन के लिए आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे कंफर्मेशन अभी नहीं है बट मुझे लगता है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ही सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कोर स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको MediaTek के Helio G88 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि कुछ हफ्ते पहले ही अनाउंस किया गया था। ये एक 4G चिपसेट है जो कि क्लॉक स्पीड के मुकाबले में 2GHz प्रोवाइड करता है फंक्शन एंड साथ में ये प्रोसेसर आने वाला है 6GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के सपोर्ट के साथ Redmi 10 में। यहाँ पे मिनिमम ये वेरिएंट तो देखने को मिलेगा, इसका अपर वेरिएंट 8GB वाला भी जा सकता है लेकिन उसके बारे में अभी कोई भी डिटेल्स ई कॉमर्स के साइट पे रिवील नहीं की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक 4G चिपसेट है तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस गेमिंग में उतना अच्छा नहीं बट एवरेज के मामले में ठीक ठाक मिल जाएगा। साथ ही में इस डिवाइस में एंड्रॉइड फीचर्स में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के साथ MIUI 12 का कस्टम स्किन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों आते हैं इसके कैमरा सेंसर्स की तरफ। तो रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेंसर देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का होने वाला है जो कि आने वाला है 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ एंड साथ में आपको 2MP का बैक पैनल देखने को मिल जाएगा फॉर माइक्रो सेंसर। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे 8MP का सेल्फी कैमरा आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा फॉर वीडियो चैट्स एंड पोर्ट्रेट सेल्फीज। अब यहाँ पे दोनों ही कैमरा से आप 1080 वीडियोस 30fps तक इजीली शूट कर पाओगे। वहीं इसके बैटरी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी 18W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ 5.0 एंड एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है जो कि मुझे काफी पसंद आया। अब दोस्तों यहाँ पे वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी ने ई कॉमर्स के साइट के थ्रू अभी कोई भी कंफर्मेशन प्राइसिंग की नहीं दी है बट Redmi Note 10 सीरीज से सस्ता यानी कि आपको 12 से 15 के रेंज में इसका बेस मॉडल आसानी के साथ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखना काफी एक्साइटिंग होता है कि ये कितना जाएगा। लॉन्च डेट के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट के ऊपर अभी इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जैसे ही कोई डिटेल सामने आती है हमारी तरफ से आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये डिवाइस आपको पसंद आया और 12 से 15 हजार के रेंज में मुझे लगता है कि एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप आसानी के साथ इसे कंसीडर कर सकते हो नो डाउट। हाँ अगर आप Redmi के लवर हो तब डेफिनेटली इसे कंसीडर करना तो एक बार बनता है। मिलता हूं ऐसे ही तकड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव लवली डे एंड स्टे सेफ।